यार भाई, अब लोग आके मेरे से बोलते हैं, लोग कैसे भाई ये यूट्यूबर्स के स्ट्राइक क्यों नहीं मार देते, उल्टे सीधे वीडियो बनाते, उल्टे सीधे बात बोल रहे तुम्हारे बारे में। भाई स्ट्राइक क्यों मारूँ, लोग मेरे ऊपर वीडियो बना रहे, मेरा प्रमोशन कर रहे, मेरा नाम बढ़ा रहे, सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे। उसके ऊपर देखो यार, ये जो दूसरे यूट्यूबर्स के ऊपर स्ट्राइक मारते, ये यूट्यूब के फील्ड में नए बंदे तुम्हारे प्रमोशन कर रहे हैं और तुम स्ट्राइक मार रहे हो भाई। और लोग बोलते हैं मैं गिव अवेज के ऊपर इतना सब्सक्राइबर गेन क्यों, भाई 60-40% वॉच टाइम रेशियो ट्रिक से इतना सब्सक्राइबर्स मिला भाई। यूट्यूब के फील्ड पर जब तक नहीं आते ये सब कुछ समझ नहीं आएगा, और ट्रेंड आता है जाता है और लास्ट में मेरे ऊपर ही वापस आना पड़ता है, लोगों को मेरे ऊपर ही रोस्ट वीडियो बनाना पड़ता है। यार लोग बोलता है कि लोकेश भाई नूब है, MP40 को P90 बोलता है। यार उसकी वजह से मैं मीम बनता हूँ, मीम की वजह से ज़्यादातर लोग मेरे बारे में जानता है और मेरा नाम और बढ़ जाता है। यार दिमाग लगाओ बे दिमाग। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ये कुछ दिनों से देख के लग रहा था कि ये UGI इसको क्या हो गया यार, क्लिक बेट इतना निकल रहा है। बट कल की वीडियो देखने के बाद समझ आ गया यार कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, UGI हमारा वैसा ही है क्लिक बेट किंग। और ये रेयर आइटम्स जो रिटर्न में आ रहा है, इसका शिकार नेक्स्ट बना है हिप हॉप बंडल। गेम के अंदर नहीं, यूट्यूबर्स के हाथों भाई, हर एक जन सेम ही चीज़ डाल रहा है। हिप हॉप बंडल इसमें रिटर्न में आएगा, उसमें रिटर्न में आएगा, रेड पास रिटर्न में आएगा, सीजन 1 रिटर्न में आएगा, सीजन 2 रिटर्न में आएगा। भाई चल क्या रहा है यार। और सबसे पहला हिप हॉप बंडल रिटर्न वीडियो किसके तरफ से मिला? बॉस ऑफिशियल। भाई ये बंदा ना अलग ही लेवल का है यार, कि जब ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर वीडियो बना लो, व्यूज़ नहीं मिल रहे सिंपथी गेन कर लो, और फिर व्यूज़ नहीं मिल रहे कंट्रोवर्सी कर लो, कंट्रोवर्सी से हेट मिल रहा है फिर सिंपथी गेन कर लो, आई क्विट वगैरह। भाई ये बंदा ना आप अलग ही लेवल पर कंटेंट बनाता है, सबको ना इससे सीखना चाहिए, फ्री फायर का अलग ही लेवल का गॉड है। और देखो यार ये स्क्विड गेम का मोड आया था गेम के अंदर, मैं देखो सोचा भाई स्क्विड गेम का मोड, फिर मैं दबाता हूँ मोड के ऊपर तो दिखाता है मोड इज अनअवेलेबल, मतलब घड़ी ना के ना अलग ही नशे। पोकर MP40 का ग्लिच घंटों के अंदर ठीक कर दिया, बट ये मोड का ग्लिच 2 दिन हो गए तब भी ठीक ही नहीं होता। भाई ये चल क्या रहा है, कुछ तो नज़र करो अपने गेम के ऊपर पैसों के अलावा। चलो अब FFIC के बारे में बात करते हैं। ये 400 के लाइव वॉचिंग माइलस्टोन की जगह कुछ ऐसे बंदे हैं जो अपने टीम को छोड़ के नए टीम्स को गाली बकेंगे और पुराने टीम्स को अच्छा बोलेंगे। वाह, ऐसे ही ना अपने स्पोर्ट्स कम्युनिटी बढ़ेगी, ऐसे ही ना स्पोर्ट्स बढ़ेगा। भाई शर्म करो, शर्म जो डिजर्विंग टीम है उनको बढ़ावा नहीं देते, और ये जो दूसरी टीम पॉलिटिक्स करते हैं उनको बढ़ावा देते हो। बट इसके अलावा जो बंदे हैं जो बस रिवॉर्ड के लिए लाइव स्ट्रीम देखते हैं, भाई तुम ना बहुत सही लोग हो यार। बोलोगे कुछ लोग बोलेंगे कि ये बस रिवॉर्ड के लिए आते हैं, भाई लाइव स्ट्रीम तो देखते, किसी को गाली तो नहीं बकते, एक ना एक दिन तो समझेंगे स्पोर्ट्स कितना बड़ा चीज़ है। और सब इस बार सोचे थे टोटल गेमिंग एक ना एक बुया तो निकालेगा, टोटल गेमिंग एक भी बुया नहीं निकाला, उल्टा PVS गेमिंग पूरा टूर्नामेंट एकदम डोमिनेट किया। देसी गेमर्स लास्ट का 2 गेम जादू से बुया निकाली और टीम लीड एकदम ट्रॉफी छीन के चला गया PVS गेमिंग के हाथों से। और भाई आज के स्पोर्ट्स के बाद जिसके दिमाग में घुसी बहुत बढ़िया, और जिसके दिमाग में नहीं घुसी एक ना एक दिन तो समझ जाओगे और उस दिन आके बोलोगे भाई सही था तू। और जिनको भी ये बातें समझ आए प्लीज़ लाइक कर देना, कुछ ना करो लाइक करके जाना और शेयर कर देना किसी दोस्त के साथ। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।